अल्लाहम आज हमारा ग्यारहवा लेक्चर है अपने कोर्स का जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का अभी तक हमने बहुत सारा कुछ इसके अंदर जानने की कोशिश की है बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर किया है आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्सटेंशन है हमारे लेक्चर नंबर टेन की जिसके अंदर हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पर बात की थी हमने उसको डिटेल के अंदर देख लिया था लेकिन फिर भी उसकी इंपॉटेंस को देखते हुए आज हम पहले उसको रिवाइज़ करेंगे और फिर हम अगली टेक्सोनोमीज़ के ऊपर बात करेंगे तो पहले नजर डाल लेते हैं कि आज के हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्या हैं सो so, हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल हैव रिवाइज ब्लूम्स टी ऑफ कॉगनेटिव डोमेन यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन सिम्पनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन फाइव लेवल्स ऑफ क्राथॉल एंड ब्लूम्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन एंड यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन द यूज ऑफ टेक्सोनोमीज प्लानिंग टूल तो ये आज के हमारे फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी से जिसके अंदर हम आ, ये जान चुके हैं कि सिक्स लेवल्स हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के द लोस्ट लेवल इज कॉल्ड नॉलेज लेवल हायर लेवल इज कॉम्प्रीहशन लेवल एंड स्टिल हायर इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल इन तीनों लेवल्स को यूजली कैटेगराइज किया जाता है लोअर लेवल थिंकिंग के uh, अंदर लोअर लेवल लर्निंग के अंदर और अगले तीन लेवल जो हैं एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन के इनको कहा जाता है कि यहाँ हायर लेवल की लर्निंग होती है इंटरेस्टिंग uh, बात यह है कि ब्लूम की टेक्सोनोमी आज भी पढ़ाई जाती है लेकिन इसके बहुत सारी अडेप्टशन भी आई हैं एक अडेप्टशन ये है कि एक्चुअली दीज थ्री लेवल्स बिच आर नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन दे आर इन हर की मतलब ये कि नॉलेज लेवल सबसे नीचे है उसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन है और एप्लीकेशन है लेकिन जो एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्यूशन के जो तीनों लेवल हैं इट इज डिफिकल्ट टू से विच लेवल इज हायर देन द अदर तो जो नई उसकी एडेप्टन आई है उसके अंदर तीनों लेवल्स को एक ही जगह के ऊपर रखा गया है उसमें हैरारकी नहीं है उसको सिंपली ये कहा गया है कि ये हायर ऑर्डर लर्निंग है इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व है જરા રિફ્લેક્ટ કરતે હે કે હમ સ્કૂલો કે અંદર ક્યા કરતે હે હમ સ્કૂલ્સ કે અંદર યે જો હાયર લેવલ કી લર્નિંગ હે હમે ઉસ્તાદ નહીં કભી ભી કરવાયા ઉનોને બહોત કમ હુઆ કે કુછ ઉસ્તાદ થે કે જિન જો કે હમે ઉસ લેવલ કી લર્નિંગ કે ઉપર લેકર ગએ મોસ્ટલી વોટ હેપન્સ ઇન સ્કૂલ્સ ઇઝ ધેટ વી આર આસ્ડ ટુ મેમોરાઇઝ થિંગ્સ ઇન મેથમેટિક્સ વી આર આસ્ડ ટુ એપ્લાય લર્ન્ડ ફોર્મ્યુલાસ ટુ સોલ્વ પ્રોબ્લેમ્સ ધેટ્સ ઇટ एनालिसिस और सिंथेसिस uh, और एवेलुएशन कभी भी नहीं करवाया गया एवेलुएशन के अंदर आपके पास डिफरेंट काइंडस uh, के आंसर्स आते हैं इसी तरीके से सिंथेसिस की अगर हम बात करें या हम बात करें एनालिसिस की तो उसमें चॉइस होती है स्टूडेंट्स के अपने पास कि वो अपनी मर्जी की बातें लिख सके, अपने मर्जी के आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए होता क्या है कि हम टीचर्स हम मैक्सिमम चाहते हैं कि हमारे लिए काम आसान हो जाए अगर सब बच्चे एक तरह का लिखेंगे तो हमारे लिए कॉपी चेकिंग आसान हो जाती है ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम बच्चों को हायर लेवल का काम करने को नहीं देते क्योंकि अगर वो हायर लेवल का काम होगा अगर तीस बच्चे तीस डिफरेंट चीज़ें लिख कर ला रहे हैं मेरे लिए मसला होगा उनको चेक करना लेकिन एक अच्छा उस्ताद होने के लिए ज़रूरी है कि मेरा फोकस बच्चों की लर्निंग हो ना कि मेरी अपनी आसानी सो तो एक डेडिकेटेड डेडिकेट टीचर होने की के लिए ज़रूरी ये है कि मैं बच्चों को हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के ऊपर लेकर जाऊं उनसे ऐसी टास्क करवाऊं जहां पर उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके आपको याद होगा हमने शुरू के लेसन्स के अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी जिसके अंदर जो पहला लेवल है हॉलिस्टिक uh, डिवेलपमेंट uh, के अंदर दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस वी डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू आवर स्टूडेंट्स to think at high level agar hum unse chote knowledge level or comprehension level ke upar hi rakhenge so they will not develop intellectually ab hum dekhte hain ki aur jo domains hain learning ki unke andar kon kon si taxonomies hain humne baat ki thi psychomotor domain ki psychomotor domain जो है learning की इस पे डिफरेंट uh, हरारकीज आई हैं लेकिन हम ज्यादा hierarchies को नहीं discuss करेंगे मैंने इस कोर्स के लिए एक हरारकी को पिक किया है दैट इज सिम्पसन हरार्की देखते हैं कि इस हरारकी में कौन कौन से लेवल्स हैं एंड वट कैन वी टेक स्टूडेंट्स टू लेवल्स जो इसका पहला लेवल है दैट इज द लोएस्ट लेवल दैट इज नोन एज परसेप्शन परसेप्शन से क्या मुराद है परसेप्शन का मतलब यह है कि अटेंडिंग टू कि आपके इर्द गिर्द में कोई चीज़ हो रही है यू आर नोटिसिंग दैट स्टम्यूलस आप सुन रहे हैं यू आर लिसनिंग मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट यू आर एक्चुअली अटेंडिंग टू दैट स्टिम्यूलस तो ये परसेप्शन का लेवल है साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो हमने बात की थी वो ये थी कि साइकोमोटर डोमेन वो डोमेन है जहाँ पर आपकी बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर भी हमारी लर्निंग है हम अगर कोई लिख रहे हैं कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं पेंटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व हैं ग्रास मोटर मसल्स भी इन्वॉल्व हैं फाइन मोटर मसल्स भी इन्वॉल्व हैं कुछ लोग कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं कुछ बच्चे अच्छा नहीं लिख पा रहे होते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने उनको वो वाला अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया होता कि वो इस डोमेन के अंदर लर्न कर सकें अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो साइको मोटर डोमेन के अंदर भी लर्न करें तो हमें ये कुछ हरार्किज का पता होना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनको तो साइकोमोटर डोमेन की जितनी भी हरार्किज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि उनका तो काम ही बच्चों को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना इन्वॉल्व करना है जो कि साइकोमोटर डोमेन की है लेकिन अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं हैं इवन देन यू नीड टू नो वट आर डिफरेंट हरार्किज ऑफ साइकोमोटर डोमेन एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग इन दिस डोमेन तो जब भी हम बात कर रहे हैं सिम्सन की हरारकी के अंदर ये पहला जो लेवल परसेप्शन का लेवल है इट इज़ वेरी थ्रेटिकल लेवल इस सेंस के अंदर कि यहाँ पर बच्चा जो है एप्लीकेशन नहीं कर रहा उसकी बॉडी अपनी मूव नहीं कर रही है लेकिन सिम्सन ने इस लेवल को इसलिए आइडेंटिफाई किया है कि बच्चा जो है वो अपनी बॉडी की मूवमेंट बाद में शुरू करता है पहले वो देखता है बच्चा भी और बड़ा भी अगर मैंने ड्राइविंग सीखनी है तो मे बी कि मैं पहले देखूं कि ड्राइविंग कैसे कोई कर रहा है आई विल नोटिस दैट एक्टिविटी आई विल नोटिस दैट प्रैक्टिस और या मैं किसी से कहूंगी कि अच्छा मुझे बताओ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है तो कोई मुझे बताएगा आई विल अटेंड टू दैट स्टिम्यूलस मैं उसको सुनूंगी सो दिस लेवल इज कॉल्ड परसेप्शन लेवल इसकी इस लेवल को जैसे कि मैंने भी बताया इसलिए रखा गया है ताकि बाद की साइकोमोटर मूवमेंट को इसके ऊपर डिवेलप किया जाए परसेप्शन के बाद क्या लेवल होगा एक बच्चा जब सुन लेता है कोई चीज या नोटिस कर लेता है उसके बाद उसका क्या दिल करता है करने को आपका सवाल जवाब यह होगा कि वो उसको उसी तरीके से दोहराएगा उसको इमिटेट करेगा बिल्कुल ठीक है कि इमिटेट करता है लेकिन इमिटेशन और परसेप्शन के दरमियान में भी एक लेवल है क्या हर बच्चा इमिटेट करता है एक ही चीज़ को अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं या कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं क्या हर बच्चा उसको उसी तरीके से परफॉर्म करेगा या मे uh, बी बहुत सारे बच्चे हों जो कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो कौन से बच्चे uh, कोई इसका मतलब है दरमियान में कोई एक स्टेज है जो कि इमिटेशन uh, या कह लें कि उस एक्ट को करने और परसेप्शन के दरमियान में मौजूद है दिस स्टेज इज कॉल्ड सेट इन सिम्पसन्स हरारकी सिम्पसन्स टेक्सोनोमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन सेट क्या है सेट है रेडीनेस फॉर एक्शन कि आप अपने आप को रेडी करते हैं आप विलिंगनेस uh, शो करते हैं कि मैंने हाँ ये वाला एक्शन करना है इसकी एक एग्जांपल uh, ले लेते हैं कि आपने देखा बच्चों को रिकगनाइज uh, करवाया गया क्लास के अंदर में भी सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर आपने ए, ए लिख के दिखा दिया बच्चों को कि मुख्तलिफ लिखी हुई हैं ये एप्पल भी लिखा हुआ है खाली ए भी लिखे हुए हैं बच्चों से आपने कहा कि अच्छा ये शक्ल है ए की अब आपने साथ में बच्चों को मे बी बोर्ड के ऊपर आप खुद से लिख कर दिखा रहे हैं बच्चा देख रहा है कि इसको ऐसे लिखा जाता है कुछ बच्चे जो होंगे वो उसको इमिटेट करेंगे लेकिन आपका ख्याल है कि आपकी क्लास में तो सारे बच्चों को करना चाहिए तो मे भी कोई आप तरीका अपनाए आप उनसे कहें कि अच्छा बी अटेंटिव देखें आप अपने हाथों के साथ ए ऐसे करना शुरू करें उसके बच्चे के हाथ में पेंसिल नहीं है लेकिन वो अपने हाथों के साथ कर रहा है ये लेवल है सेट का लेवल के बच्चा समझ रहा है कॉम्प्रीहेंड कर रहा है और उसको किसी तरीके से बहुत नई तरीके से डिमोन्स्ट्रेट भी करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं समझ गया हूँ पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी लेकिन वो कर रहा है इसकी मैं एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ बच्चों के घर के अंदर आ, ऐसा होता है कि अगर कोई बड़े आ, लोग हैं जो कि लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो बच्चा उनको देखता रहता है नोटिस करता है परसेप्शन के लेवल के ऊपर कि बाप जो है वो किताब पढ़ रहा है अखबार पढ़ रहा है फिर क्या करता है वो बच्चा जो है अखबार को सामने रख के पढ़ने की कोशिश करता है दो के उससे पढ़ी नहीं जा रही होगी लेकिन फिर भी वो के वो पढ़ने की कोशिश कर इमिटेट करेगा लेकिन उसके दरमियान में भी एक स्टेज है कि उसने बाप को देखा पढ़ते हुए में और दूसरी स्टेज ये कि वो किताब को खुद से पकड़ता है इस लेवल के ऊपर एक्शन नहीं है एक्शन की रेडीनेस है तो जो सिमसन की हरारकी के जो पहले दो लेवल्स हैं इसके अंदर आपको फिजिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर नज़र आएगी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बच्चा कर रहा है और नोटिस भी कर रहा है अब आते हैं जो अब मैं बात करी थी इमिटेशन वाली बात कर रही थी इमिटेट बच्चा करता है दैट इज थर्ड लेवल जहाँ पे बच्चा एक्चुअली वो चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है सिमसन ने इस लेवल को नाम दिया गाइडेड रिस्पॉन्स का गाइडेड रिस्पॉन्स वर्ड गाइडेड इंडिकेट समथिंग बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन लेकिन ये एक्शन इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं है एक्शन गाइडेड एक्शन है इसकी मिसाल होगी कि बच्चा जो है जब शुरू में अल्फाबेट्स लिखने शुरू करता है तो खुद से वो नहीं लिख पाता उसका जो उस्ताद होता है कई दफा में हाथ लिख के उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है आपने कॉपीज देखी होंगी वर्क बुक्स देखी होंगी जिसमें डॉटेड लाइन लिखी हुई होती है तो वो जो डॉटेड लाइन के ऊपर बच्चा फेर रहा होता है वो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स नहीं है वो गाइडेड uh, रिस्पॉन्स है कि बच्चा अगर खुद से नहीं लिख पा रहा तो कम अज कम जो आप उसको गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर ऊपर वो पेंसिल फेरता है दैट इज गाइडेड रिस्पॉन्स लेकिन जब तक आप बच्चे को गाइडेड रिस्पॉन्स नहीं देंगे वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता सो दिस लेवल इज गाइडेड रिस्पॉन्स वेयर अ चाइल्ड इमिटेट ट्राइज टू परफॉर्म एन एक्शन मे बी इन अ वेरी नई वे सो दीज आर थ्री लेवल्स पहला हमारा लेवल है परसेप्शन का जो कि जहाँ पे बच्चा जो है वो सुन रहा है लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है दूसरा लेवल है हमारा सेट का जहाँ पर बच्चा जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर गया है और रेडीनेस है उस रिस्पॉन्स को शो करने की तीसरा लेवल है हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स का जहाँ पे बच्चा थोड़ी गाइडेंस के साथ एक रिस्पॉन्स दे रहा होता है जिस तरीके से बच्चे ट्राई साइकिल चला रहे होते हैं ट्राई साइकिल चलानी भी उनको नहीं आ रही होती उनको कुछ ना कुछ गाइड करना पड़ रहा होता है बच्चे जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर पीटी करते हैं नहीं ठीक हो रही होती है तो इंस्ट्रक्टर उनको गाइड कर रहा होता है इसी तरीके से बच्चा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहा है उसको बजाने की कोशिश कर रहा है तो उससे नहीं बजेगा उसको कोई ना कोई गाइड कर रहा होता है अल्फाबेट्स की एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ लेवल इज मैकेनिज्म मकैनिक्स आपने सुना होगा कि हर चीज़ के कुछ मकैनिक्स होते हैं अगर आपने ए लिखना है तो उसका मकैनिक उसके मकैनिक्स ये है कि आप इसी तरीके से आप लिखेंगे और ठीक तरीके से लिख लेंगे बी ऐसे लिखा जाएगा डी ऐसे लिखा जाएगा डी आप ऐसे नहीं लिख सकते लिखा तो गया है डी लेकिन इसके मकैनिक्स गलत हैं मकैनिक्स अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डी हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा ये वो लेवल है कि जहाँ पे आपको बच्चों को लेकर आना है बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी कुछ आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वो बहुत बड़े होकर भी डी ऐसे ही लिख रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि उनकी साइको मोटर डोमेन के अंदर लर्निंग ही उस लेवल की नहीं हुई वो मे बी कि वो मकैनिज्म भी पूरा उनको नहीं आया उस चीज़ को करने का सो so, मकेनिज़म के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिपेंडेंटली किसी काम को करने के काबिल हो जाना स्टार्टिंग फ्रॉम परसेप्शन जो कि बहुत इनिशियल लेवल था जहां पे आपने सिर्फ एक चीज नोटिस की लिसन की लेकिन इस लेवल तक आते आते बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली वो वाला परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है लेकिन बच्चा नहीं होगा अनलेस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड अगले लेवल पर चलते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब है वर्ड कॉम्प्लेक्स ये इट्स ये शो करता है कि यहाँ पर बच्चा इन ये ये लेवल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स के अंदर बच्चा बहुत इंडिपेंडेंटली बहुत सारा कुछ कर सकता है मकैनिज्म के अंदर इंडिपेंडेंटली उस मकैनिक्स को फॉलो करते हुए काम करेगा लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है यहाँ पर बच्चा मकैनिज़म से आगे इंडिपेंडेंटली बहुत स्मूथली और स्विफ्टली एक काम को कर सकता है इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बच्चे जो है अल्फाबेट्स तो लिख लेते हैं मैकेनिक्स फॉलो कर लिए उन्होंने इनडिपेंडेंटली लेकिन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स ये है कि बच्चे में भी ज्वाइंट राइटिंग आप बता रहे हैं बच्चों को तो वो ज्वाइंट राइटिंग बड़ी तेज़ी से कर ले स्पीडली वो काम कर सकें जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स लिख रहे होते हैं क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स नहीं है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स पे ले जाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं देंगे तो कभी भी बच्चे कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स के लेवल पर नहीं जाएंगे रिजल्ट क्या होगा बच्चे जो हैं वो एज में ग्रो करते चले जाते हैं लेकिन बहुत बड़े हो के भी दे आर अनएबल टू राइट क्विकली उनके एग्जाम्स पूरे नहीं हो रहे होते एग्जामिनेशन पेपर्स पूरे नहीं हो रहे होते टाइम को हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि टाइम कम था उसकी रीजन ये है कि उनके बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो उस उस तरह से ट्रेंड नहीं है उनके मसल्स ट्रेंड नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें सवालों के जवाब ना आना एक अलहदा मामला है लेकिन जो बच्चे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा वो इस वजह से कंप्लेन कर रहे होते हैं सो वी नीड टू टेक चिल्ड्रन टू दैट लेवल उसके लिए हमें प्रैक्टिस उनकी करवानी चाहिए कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स की जो एक और एग्जाम्पल है वो ये जो हम फिज़िकल एजुकेशन के अंदर है के बच्चे जो हैं सिंपल जंप करना आ गया कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स के अंदर वो बहुत सारे किस्म के जंप कर सकते हैं टीचर ने जो भी कहा उसका फौरन एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आएगा प्रॉम्प्ट एक्शन आएगा फ्रॉग जंप आता है बच्चों के रेबिड जम्पे कुछ भी हो वो उसको बहुत तेजी से स्विच ओवर भी कर सकते हैं सो दैट लेवल इज कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स लेवल आगे चलते हैं सिमसन एक्सोनोमी के अंदर इससे जो अगला लेवल है दैट इज अगेन अ हायर लेवल दैट इज अडेप्टशन Adaptation, word वर्ड इज़ फ्राम अडेप्ट अडेप्ट क्या मतलब है सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना इस लेवल के ऊपर क्या है जहाँ आपको ज़रूरत है जॉइंट राइटिंग करने की आप वो वाली कर लें जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग करनी है विदाउट ज्वाइनिंग लेटर्स आप वो वाली कर लें मतलब जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक कर लें कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो इस तरीके से नहीं कर सकती या कर सकता उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ उन्होंने सीखी है उससे थोड़ा सा भी डाइवर्ट करना उनको अडेप्टेसन उनको नहीं आती है क्योंकि उनकी लर्निंग उस लेवल के ऊपर नहीं हुई है तो चाहे वो लिखने की बात हो या किसी और हवाले से कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो अडेप्टशन के लेवल के ऊपर भी लेके जाना चाहिए स्टूडेंट्स को जहां पर वो अपने आ, आ, जो भी आप उनकी फिज़िकल एक्टिविटी है उसको उस हिसाब से अडेप्ट सके अगली बात करते हैं ओरिजिनेशन की जो कि लास्ट लेवल है की के अंदर, नाम जाहिर करता है ओरिजिनेशन का समथिंग वेरी ओरिजिनल कि ये वो लेवल है जहां पे बच्चा कुछ अपना स्टाइल बना ले अपने तौर के ऊपर कुछ चीजें ओरिजिनेट कर ले कैलीग्राफी सुनी होगी आपने कि बच्चा अगर राइटिंग हैंड राइटिंग की हम बात करते हैं तो मकैनिज्म तक उसको आ गया लिखना कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स तक बहुत अच्छा उसको लिखना आ गया अडेप्टशन के लेवल के ऊपर कि वो अपने लिखे हुए स्टाइल के अंदर तब्दीली भी कर सकता है ओरिजिनेशन का मतलब कि यहाँ पर क्रिएट भी कर सकता है वो कैलीग्राफी का कोई नया स्टाइल क्रिएट कर दैट इज हाइस्ट लेवल ऑफ सिमसंस हर आर की फिजिकल एजुकेशन के हवाले से देखते हैं क्रिकेट में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बॉलिंग के स्टाइल्स ओरिजिनेट हुए किसी ने तो किए होंगे ना और उसके ऊपर काम किया होगा कि इस तरीके से बॉलिंग की जाती है बैटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स ओरिजिनेट हुए तो ये सारे के सारे हाईएस्ट लेवल है आपकी लर्निंग का इसी तरीके से अगर आप बात करें और एक्टिविटीज की जो स्कूलों के अंदर होती हैं कुछ स्कूल्स के अंदर डांस सिखाया जाता है तो डांस के अंदर भी कि बच्चा जो है स्टाइल को ओरिजिनेट करे स्विमिंग सिखाई जाती है कुछ स्कूलों में वहाँ पे भी स्विमिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं तो हम बच्चे को जब साइको मोटर डोमेन के अंदर उनकी लर्निंग करवाए सो वी वी शुड एंश्योर दैट वी टेक दैम टू दैट हाइस्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ साइकोमोटर डोमेन तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर हमने सिर्फ एक टेक्सोनोमी uh, को देखा है उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो ज्यादा सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है कॉग्नेटिव डोमेन के अंदर हम अगरचे कि हम ये बात इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमने जब बच्चों को पढ़ाना है तो हमने उनको लर्निंग कैप देनी है दैट कंसिस्ट ऑफ काग्नेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटो डोमेन लेकिन फिर भी हम अभी तक एग्जाम ओरिएंटेशन से बाहर नहीं निकले हैं तो इस ओरिएंटेशन के साथ हमें बहुत ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो कागनेटिव डोमेन के ऊपर करते हैं लेकिन क्योंकि हमारा बिलीफ डिफरेंट है इसलिए हमने इन हर को भी देख रहे हैं हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि जो क्लास के अंदर हम करा रहे हैं बेशक हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है लेकिन फिर भी हमें इस हरारकी का पता होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने चाहिए नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज हरारकी ऑफ अफेक्टिव डोमेन सो अब हम देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन की हरारकी क्या है अफेक्टिव डोमेन की हरारकी वॉज डिवेलप्ड बाई ब्लूम एंड क्राथोल इन नाइनटीन सिक्सटी और जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अफेक्टिव डोमेन इज अबाउट डेवलपिंग सर्टन एटीट्यूड्स एंड डिस्पोजिशंस, सो इन्होंने फाइव लेवल्स आइडेंटिफाई किए जो कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर लर्निंग uh, के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं सो द फर्स्ट लेवल और प्राइमरी लेवल इज कॉल्ड रिसीविंग रिसीविंग ऑफ वाट रिसीविंग इंफॉर्मेशन इसको हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप uh, चाहे आप वो साइंस का ले लें बैलेंस डाइट के متعلق आपने सुना आपके टीचर ने कहा कि यू नीड टू टेक बैलेंस डाइट यू शुड अवॉइड जंक फूड इसका मतलब यह है कि आपने रिसीव uh, की ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टीचर सो एट दिस लेवल यू डू नॉट शो एनीथिंग रादर यू जस्ट रिसीव दैट इंफॉर्मेशन इससे अगला लेवल है रिसीविंग के बाद रिस्पोंडिंग रिस्पोंडिंग क्या है रिस्पोंडिंग है कि आपको जब उस्ताद बता रहा है कि Uh, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए यू नीड टू डिवेलप हेल्दी लाइफ तो आप इस पर जो सवाल करेंगे जो डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट लेना क्यों जरूरी है इसके क्या फ़ायदे हैं तो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन एंड व्हेन यू डिस्कस द थिंग्स इट मींस यू आर एट दिस लेवल कि यू हैव नॉट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली रादर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन थ्रू योर डिस्कशन थ्रू योर क्वेश्चन तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि बच्चे सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेके चले ना जाएं बल्कि उनको इंटरेस्ट भी शो करना है थ्रू देयर क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस इसमें जो तीसरा लेवल है दैट इज वैल्यूइंग देखते हैं कि वैल्यूइंग क्या है वैल्यूइंग का ये मतलब है कि जिस चीज के जिस डिस्पोजिशन की आप बात कर रहे हैं जिस लर्निंग की बात आ रही है आप उसको वैल्यू करें आप उसको अप्रीशियेट करें हम अप्रीशियट कैसे कर सकते हैं क्लास के अंदर अगर आपके पास बच्चे जो है लंच लेकर आ रहे हैं कुछ बच्चे होम मेड लंच ला रहे हैं पराठा बना के ला रहे हैं ऑमलेट बना के ला रहे हैं कुछ दूसरे बच्चे हैं जो कि जंक फूड लेकर आ रहे हैं चिप्स ले आए बर्गर्स ले आए आप उसको वैल्यू करें अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपको हेल्दी लाइफ होना चाहिए यू नीड टू वैल्यू दैट थिंग बाय शोइंग अ प्रॉपर एक्शन आप उन बच्चों को अप्रीशियेट करें जो कि घर की चीजें बनाकर ला रहे हैं और उन बच्चों को डिसक्रेज करें किसी हद हाँ तक कि आप लोग ये चिप्स और जो बर्गर्स वगैरह हैं इनको ना खाएं इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली वैल्यू कर रहे हैं यू आर डिमॉन्सट्रेटिंग दैट थिंग दैट यू वैल्यू यू वैल्यू बैलेंस्ड डाइट यू वैल्यू हेल्दी डाइट यू डू नॉट वैल्यू जंक फूड तो ये एक डिमॉन्सट्रेशन होती है कि हमें शो करना है इससे अगला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ये एडवांस लेवल है ये अप्रिसशन से आगे का है होता क्या है कि कई दफ़ा में हम सुन लेते हैं कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है हम उस पर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं कि अच्छा ईमानदारी क्यों अच्छी चीज़ है बड़ी डिस्कशन भी हो जाएगी उसके ऊपर कि हाँ ईमानदारी के ये फ़ायदे हैं सारा का सारा कुछ फिर वैल्यूइंग के ऊपर अगर कोई हमें ईमानदार बंदा मिलता है हम उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं हम बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं इसका मतलब ये है कि हम उस वैल्यूइंग के स्टेज के ऊपर हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप खुद ईमानदार बन जाते हैं आप ईमानदारी की कोशिश करते हैं आप अपने बिहेवियर्स के अंदर ईमानदारी शो करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम बात बैलेंस डाइट की कर रहे थे हेल्दी फूड की कर रहे थे कि उस्ताद अगर बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा है इसका मतलब है कि वो वैल्यू करता है हेल्दी फूड को लेकिन अगर वो खुद हेल्दी फूड लेनी शुरू कर देता है वो जंक फूड अवॉइड करता है इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर आ गया है मेरा डिस्पोजिशन ये है कि आई हैव ऑर्गेनाइज माई सेल्फ एंड नाउ आई प्रेफर ईटिंग हेल्थी फूड इंस्टेड ऑफ जंक फूड इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इससे भी एक हायर लेवल है दैट इज करेक्टराइजेशन जरा सोचें करेक्टराइजेशन का क्या मतलब होगा हम एग्जाम्पल लेते हैं अम्बिया की उनका क्या कहा जाता था कि उनका करेक्टर ही सब कुछ था सोचें कि इसका क्या मतलब है ये कौन सा डिस्पोजिशन है जो कि एक्सपेक्टेड डिस्पोजिशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स इस लेवल पर पहुंचे वो सिर्फ ये सुन ना लें कि ईमानदारी अच्छी चीज है या वो ये उसके ऊपर डिस्कशन ना होल्ड करें बल्कि करेक्टराइजेशन के लेवल तक जाए आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में भी तो बात की है कि आप वो वाला जो है एटीट्यूड डिमॉन्सट्रेट करना शुरू कर देते हैं तो वट इज़ करेक्टराइजेशन करेक्टराइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वो बिहेवियर शो करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होता आप अक्सर वो वाला बिहेवियर शो कर रहे होते हैं करेक्टराइजेशन का मतलब ये है कि वो बिहेवियर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है आप उस करेक्टर की वजह से पहचानने जाते हैं जिस तरीके से अगर हम नबी करीम की ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल लें तो उनको कहा जाता था ना कि सादिक और अमीन तो सादिक और अमीन उनका लकब था वो उनका करैक्टर था आप बाकी एम बी कराम की भी जिंदगी का एग्ज़ाम्पल लें तो हर एक का कोई ना कोई एक करैक्टर था कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और लोग आपको उस हवाले से पहचानते हैं अब जो सतार ईदी की एग्ज़ाम्पल ले लें उनकी करेक्टराइजेशन Okay, के लेवल के ऊपर है कि लोग उनको इतना पैसा देते हैं हमारी सोच से बाहर है बट ईमानदारी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया एंड वी बिलीव इन दैट एंड ही इज नोन बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट एटीट्यूड तो ये लेवल है करेक्टराइजेशन का जो हम बैलेंस डाइट वाली एग्जाम्पल लेकर चले थे उसके अंदर अगर हम यहाँ पर आएंगे तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा कि मैंने एक हेल्दी लाइफ अपनाना है और लोग कहेंगे कि हाँ इस टाइम के ऊपर ये खातून जो है ये वॉक करने जा रही होती है इसको जो मर्जी दे दें लेकिन इसने जंक फूड नहीं लेना एक इसका एक अपना लाइफ स्टाइल बन गया है तो लोग आपको उस वजह से जानने दैट इज द हाइस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स एक्सोनोमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन वट आवर स्कूल्स हम इस लेवल पर तो बहुत दूर की बात है हम तो वैल्यूइंग वाले स्टेज पर भी नहीं लेकर जा रहे होते हम मैं एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कॉपरेशन के हवाले से कॉपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक डिस्पोजिशन है लेकिन इसको पांच लेवल्स के ऊपर हम कैसे ला सकते हैं पहला ये है कि टीचर बताए कि आपने मिलजुल कर काम करना है मिलजुल कर काम करने में बरकत है हम जब छोटे होते थे हमने बड़ी कहानियां पढ़ी इतफाक में बरकत है मिलजुल कर रहने में बरकत है वी रिसीव्ड दैट इंफॉर्मेशन और किसी हद तक रिस्पॉन्ड भी किया उस चीज़ को जिस डिबेट करके कि अच्छा ऐसा तो नहीं होता लड़ाई भी हो जाती है तो ये होता है वो होता है इस किस्म के सवाल भी हमने किए वैल्यू नहीं किया कहीं पे भी लोग अगर मिल के काम कर रहे होते थे ना स्कूल के अंदर तो हम ये कहते थे अच्छा ये टाइम ज़ाया कर रहे होंगे मिल के तो बातें ही होती हैं पढ़ाई कहाँ होती है हम रिस्पोंड के आगे नहीं गए वैल्यू किया ही नहीं मिलकर काम करने को और फिर आगे जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन वाला लेवल तो आया ही नहीं कि जहाँ पे आपने खुद मिलकर काम किया हो और करेक्टराइजेशन तो बहुत दूर की बात है अगर हम अब अब इन चीज़ों को रियलाइज करते हुए में आज का जो दौर है ये दौर ही कॉपरेशन का है अगर कोई बंदा आइसोलेशन के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो नहीं गुजार सकता वी नीड टू नर्चर दिस हैबिट इन आवर स्टूडेंट्स वे आर देर लर्न हाउ टू कॉपरेट और उनको ये सीखना है कि उन्होंने कॉपरेट करना है बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करते रहें हमेशा बजाय इसके कि कहें कि नहीं जी लोग बुरे हैं ऐसा ना हो बल्कि वो कॉपरेट करना सीखें हम उनको बताएं कि इतफाक़ में बरकत है वो इस पर रिस्पोंड करें वैल्यू करें कि कुछ लोग अगर काम मिलकर कर रहे हैं तो वो उसको अप्रीशियट करें फिर अपना जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि वो कॉपरेट करना शुरू हो ग्रुप्स में काम करना शुरू करें हमारे स्कूलों में क्या होता है कि जब कोई ग्रुप्स में हम बच्चों को कहते हैं कि काम करो वो करना शुरू होते हैं और साथ साथ में कहते हैं कि हमने इस ग्रुप में नहीं बैठना उस ग्रुप में बैठना है हमारे फ्रेंड्स के साथ बिठा दिया जाए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको ग्रुप के अंदर काम करने की आदत ना डालें क्योंकि अगर वो नहीं हो गए कॉपरेट करना कभी भी नहीं सीखेंगे करेक्टराइजेशन क्या है कि आप का एक ऐसा करेक्टर बने कि आपके सारे इर्द गिर्द के लोग कहें कि हाँ इस बंदे के पास जाओगे तो ये आपकी हमेशा हेल्प करेगा लोग उसको जानने ही उसके इस करेक्टरिस्टिक की वजह से कि दिस पर्सन इज हेल्पफुल लेकिन ये हेल्पफुलनेस कभी नहीं आएगी जब तक के बच्चों को हम इन स्टेजेस से ना गुजारें हम उनको ये वाली चीज़ों की आदत ना डालें तो हम कोई सा भी डिस्पोजिशन ले लें वेदर इट इज ऑनेस्टी वेदर इट इज अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ और इट इज अबाउट कॉपरेशन कोई सा भी एटीट्यूड ले लें वी नीड टू टेक आवर स्टूडेंट्स टू करेक्टराइजेशन लेवल सो दैट इज ऑल अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ इफेक्टिव डोमेन अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी टेक्सोनोमीज को uh, देखा है और क्यों देखा है हमने इनके ऊपर क्यों बात की है वाई दीज टेक्सोनॉमीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स हमने बात की ब्लूम्स टेक्सानोमी पे हमने बात की कॉग्निटिव uh, डोमेन uh, की टेक्सोनोमी पे भी अफेक्टिव डोमेन की भी और साइकोमोटर डोमेन पे भी तमाम टेक्सोनोमीज इम्पॉर्टेंट हैं क्यों इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज दे आर लर्निंग टूल्स इन इन टेक्सानोमीज को जानना क्यों अहम है क्योंकि वी आर प्लानर्स एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की जब हम बात करते हैं जैसा कि हमने एक अपने लेक्चर के अंदर देखा था एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स है ये तमाम की तमाम सिलेक्शन जो हैं डिपेंड करती हैं आपके नॉलेज uh, के ऊपर आपका नॉलेज इन टेक्सोनोमीज़ का जो नॉलेज है क्योंकि अगर आपका फोकस जो है सिम्सन uh, की टेक्सोनोमी के ऊपर है और आप उसमें बच्चों को कुछ जंपिंग वगैरह की एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं आपको डिसाइड करना है कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे टेक्सानोमीज़ आर एक्चुअली यूज एज अ प्लानिंग टूल देखते हैं कि ये प्लानिंग टूल के तौर पर किस किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। टेक्सानोमी में भी यूज टू फार्मूलेट एंड सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव डिवेलप क्लास रूम क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिंग एवेलुएशन इंस्ट्रूमेंट्स और इट मे बी सेड सेफली द टेक्सोनोमीज मे बी यूज टू डिसाइड वट टू टीच हाउ टू टीच एंड हाउ टू एवेलुएट टीचिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब डिसाइड uh, कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव अपने सो यू नीड टू सी विच ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी सेट फर्स्ट एंड विच ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी सेट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने प्लान ये किया है कि बच्चे जो हैं उनको अल्टीमेटली आप सिंथेसिस लेवल के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो सिंथेसिस लेवल पर बच्चे नहीं जाएंगे अनलेस यू डू नॉट टेक देम टू द लोअर लेवल्स पहले उन लेवल्स के ऊपर प्रैक्टिस होगी देन दे विल गो टू द हायर लेवल फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को क्लास के अंदर आ, मेरा ख्याल है कि मैं इफ़ आई एम एन आर्ट टीचर आई वॉन्ट देम टू ड्रॉ स्केच्स बहुत अच्छी स्केचिंग उनको आ जानी चाहिए ये मेरा प्लान है और वो इतना इंडिपेंडेंटली स्केचिंग कर सकें कि मैं उनको कहूँ कोई सी भी चीज़ बनाए किसी भी चीज़ का स्केच करें तो वो कर लें मे बी के आई एम आर्ट टीचर इन ग्रेड लेवल सिक्स उस लेवल पर ले जाने के लिए मुझे अपने हर लेसन के ऑब्जेक्टिव जो हैं तरीके से सेट करने हैं कि पहले बच्चों को सिंपल ड्राॅइंग तो करनी आए ये एक लो लेवल का होगा उसके ऊपर फिर वो डिवेलप करेंगे कि स्केचिंग uh, जो है वो बहुत अच्छी फ्रीली uh, कर सकें इसमें मुझे ये भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फोकस करना है कि क्या मैं ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर इसको लेकर चल रही हूं या मैं कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से चल रही हूँ कॉग्निटिव डोमेन इज इंटेलेक्चुअल डोमेन अब साइकोमोटर डोमेन जो है उसके अंदर तो आपकी मोटर मूवमेंट है अगर मैं प्रैक्टिकली ये करवाना चाह रही हूँ उनसे सो देन आई नीड टू सेट माई ऑब्जेक्टिव इन सेमसन्स टेक्सोनोमी उसके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर एक बच्चा जो है आपने उसको पूछा कि आप बताइए स्केचिंग uh, कैसे की जाती है बच्चे ने पूरा का पूरा आपको बता दिया कि उसके लिए पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं उसने पूरा प्रोसीजर लिख दिया कि स्टेप 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 के के अंदर ये ये, के अंदर होता है में सारा का सारा बता दिया उसने आपने उसको असेस कर लिया कि हाँ इस बच्चे को स्केचिंग आती है पर अगर वो बच्चा स्केचिंग कर नहीं सकता तो उसके आने की उतनी अहमियत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता होना चाहिए कि साइकोमोटर डोमेन के अंदर टेक्सोनोमी क्या है और मुझे उसको किस लेवल के ऊपर लेकर जाना है क्या मैकेनिज्म की लेवल के ऊपर लेकर जाना है या कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स तक लेकर जाना है या मुझे उसको ओरिजिनेशन की स्टेज के ऊपर लेकर जाना है अगर बतौर टीचर आर्ट टीचर मुझे पता ही नहीं है सो मे बी आई एम गोइंग टू असेस माई स्टूडेंट्स ऑन रॉन्ग थिंग मैं उनसे ज़बानी कलामी चीज़ें सुन के और थोड़ी बहुत वो पेंसिल अगर पकड़ लें तो मैं भी मैं कहूँ हाँ इनको आ गई है आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द स्टेज वेयर आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू गो सीक्वेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो फॉर्मूलेशन की बात है ना कि आपको ये भी हेल्प मिल जाती है कि आपने बच्चों को लोअर लेवल की लर्निंग के ऊपर रखना है या हायर लेवल के ऊपर लेकर जाना है लेकिन साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो सीक्वेंसिंग की है जैसे कि अभी हमने बात की है कि बच्चों को ये हमें ये भी आसानी हो जाती है कि बच्चों को स्टेज बाय स्टेज कैसे लेकर चलना है तो अगर हमें टेक्सोनोमीज का नहीं पता तो हम ये सिक्वेंसिंग भी नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज जो है जिसमें टेक्सोनोमीज़ हमें हेल्प करती हैं दैट इज डेवलपिंग क्लासरूम क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज हमने जब बात की थी ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉगनेटिव डोमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की हमने एग्जाम्पल्स ली। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये टेक्सोनॉमीज़ कौन कौन सी हैं तो मे बी हम हमेशा क्लास के अंदर बहुत नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस ही करते रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉम्प्रीहेंशन लेवल के क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेंगे लेकिन अगर हमारे पास इन टेक्सोनोमीज़ का इल मौजूद है सो देन वी विल ट्राई टू आस्क हायर लेवल क्वेश्चंस अगर हमें पता ही नहीं है हमारे लिए यकिन मुश्किल बात होगी फिर एक और चीज़ है कि एक्टिविटीज़ को कैसे डिसाइड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेक्सोनोमीज़ इसकी एक बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सिंथीसिस लेवल के ऊपर जाएं और सिंथीसिस लेवल के ऊपर उनका है कि औरिजिनल आइडियाज़ के साथ आए औरिजनल उनका हो आ, काम हो तो उसके अंदर हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम वो रिसोर्स लेकर जाएं और साथ में बच्चों से वो एक्टिविटी करवाएं औरिजिनल सिंथेसिस सिंथिसिस की एक सिंपल एग्ज़ाम्पल रोल प्ले कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे कोई रोल प्ले प्लान करें और उसको परफॉर्म करें वो उनकी अपनी क्रिएशन होगी तो अगर हमारा ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्ले आर क्रिएट आ रोल प्ले एंड परफॉर्म दैट रोल प्ले तो ये एक तो मुझे पता होना चाहिए ये कि टेक्सोनोमी से हम रिलेट कर रहे हैं इसकी टेक्सोनोमी के इल्म की वजह से मैंने ये अपना ऑब्जेक्टिव बनाया और दूसरी तरफ में फिर मैं ये वाली एक्टिविटी करवाऊँगी बच्चों से कि क्लास के अंदर वो ये वाला काम करे तो मेरी जो ये वाला टेक्सोनोमीज का इलम है वो यहाँ पर भी मुझे हेल्प करेगा एक और सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं अफेक्टिव डोमेन की जहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉपरेशन की कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो है कॉपरेशन में ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन के लेवल तक पहुँचें तो मैं क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाऊँगी क्योंकि मुझे पता है उस टेक्सोनोमी का इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव भी ये है कि बच्चे कॉपरेशन करना सीखें अल्टीमेटली मेरी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी सो दीज टेक्सोनोमीज हेल्प अस इन डिसाइडिंग क्लासरूम क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो कंस्ट्रक्टिंग एवेलुएशन इंस्ट्रूमेंट्स कि हम बच्चों को कैसे असेस कर रहे हैं और अपनी टीचिंग को कैसे असेस कर रहे हैं इन दोनों के लिए हमें कुछ एवेलुएशन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और एवेलेशन इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा डिवेलप होंगे अगर हमारे पास इन टेक्सोनोमीज़ का पॉइंट वेन आई वॉज डिस्कसिंग साइकोमोटर डोमेन लर्निंग जहाँ पे मैं आर्ट की स्केचिंग की एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर मैंने बच्चों को एवेलुएट करना है उनकी स्केचिंग के ऊपर तो मुझे टेक्सोनोमीज़ का पता हो कि अगर मुझे पता है कि मैंने उनकी स्केचिंग मैकेनिज्म के लेवल पे करनी है तो मेरी चेक लिस्ट जो मैं बनाऊंगी बच्चों को असेस करने के लिए वो डिफरेंट होगी लेकिन अगर मैंने उनको स्केचिंग uh, उनकी ओरिजिनेशन के लेवल के ऊपर असेस uh, करनी है तो मेरी चेक लिस्ट टोटली डिफरेंट हो जाएगी और अगर मैंने उनको अडेप्टन लेवल के ऊपर चेक करना है या कॉम्प्लेक्स रिस्पॉस के ऊपर करना है चेक लिस्ट डिफरेंट होगी तो अगर मुझे टेक्सोनोमीज़ का पता ही नहीं है तो मैं तो सिंपल ये देख लूंगी ना कि अच्छा स्केचिंग बच्चों ने की है या नहीं की हाँ या नहीं तो हो सकता है उसके अंदर लेकिन डिटेल्ड उनकी आ, काम को मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगी तो टेक्सोनोमीज़ का जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को एग्जैक्ट देख सकें उनकी लर्निंग को इवेलुएट कर सकें कि कौन सा बच्चा किस लेवल के ऊपर स्टैंड करता है अगर मेरी क्लास के अंदर बच्चे जो हैं कुछ बच्चे जो हैं वो स्केचिंग में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कुछ यहाँ पे और कुछ बिल्कुल नीचे तो मुझे उनके लिए डिफरेंट प्लानिंग करनी होगी ताकि वो सारे बच्चों का लेवल जो है वो एक खास लेवल तक आ सके लेकिन ये नहीं पता चल सकता अनलेस आई एम नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सोनॉमीज सो सिंपली जो कि अभी हमने पहले बात की थी कि टेक्सोनॉमीज हेल्प अस इन डिसाइडिंग वट टू टीच हाउ टू टीच एंड हाउ टू एवेलुएट टीचिंग एंड लर्निंग सो रिसर्च शोज लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इफ प्रजेंटेड इन आइसोलेटिड आइटम्स एंड टेक्सोनोमीज प्रोवाइड अ काग्नेटिव स्ट्रक्चर देर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैंशन ओवर हेयर दैट लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेटिड आइटम्स एंड द सेकेंड इज द टेक्सोनोमीज गिव अग्नेटिव स्ट्रक्चर हम बात करते हैं कि काग्नेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कौन सी मिसालें हैं जो कि हमें बताती हैं कि आइसोलेटेड आइटम्स के अंदर अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहें तो वो नहीं सीख सकते बहुत हमारे इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कोशिश क्या कर रहे होते हैं कि बच्चों को कहा कि आप मैथ्स के अंदर आम तौर के ऊपर ये होता है कि खास तौर पे वो बच्चे जो कि थोड़े वीक हैं छठी जमात के अंदर पहुंच गए लेकिन उनको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आता होता उनको जो होते हैं हमारे बहुत सिंपल डिवीजन्स जो है वो करने नहीं आ रही होती हैं एंड नाउ दे आर लर्निंग अल्जबरा तो होता क्या है कि जब हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वी डू नॉट आइडेंटिफाई द गैप्स हम वो गैप्स आइडेंटिफाई किए बगैर उनको नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं हम उनको कहते हैं कि अलजबर अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐसे आप हल करते हैं इस तरीके से ये होते हैं हम उनको पूरा का पूरा बता रहे होते हैं उनको नहीं वो आएंगे पिछले भी नहीं आ रहे होते हम टीचर्स क्या कह रहे होते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि पाँच साल का मैथ उनको छठी जमात में करवाया जा सके इनकी तो बुनियाद ही वीक है इसलिए हम छठी जमात की कोशिश करते हैं कि इनको आ जाए उनको नहीं आ रहा होता जब तक कि बच्चों को पिछली वाली चीज़ें नहीं आ रही होंगी वो मिसिंग नॉलेज जिसको हमने कंडेम किया था पहले कि हम बच्चों का मिसिंग नॉलेज जानने की कोशिश कर रहे होते हैं हमें वो तो नहीं करना चाहिए लेकिन हमें मिसिंग नॉलेज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जरूर जानना चाहिए हमें बच्चों को मिसिंग नॉलेज पे असेस तो नहीं करना लेकिन हमें उनकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट जरूर करनी है मतलब ये कि हम उनके मिसिंग नॉलेज अगर उनका है तो उसके ऊपर हम बजाय इसके हम कहें कि जी आपके नंबर नहीं आएंगे हम अपने लिए जाने कि इन बच्चों के कौन कौन से गैप्स हैं उसको डायग्नोज करें और डायग्नोज करने के बाद बच्चों की हेल्प करें कि वो उस नॉलेज को अक्वायर करके ऊपर के लेवल के ऊपर जा सकें अब बच्चों को डेफिनेटली पांच साल का मैथ तो नहीं करवाया जा सकता लेकिन आप उसके अंदर जो की चीज़ें हैं छठी जमात का बच्चा यकीन पहली जमात के बच्चे से फ़र्क है पहली जमात का बच्चा अगर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में एक महीना लगा रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि छठी जमात का बच्चा एक या दो दिन में वही वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएगा आप इस तरीके से अगर हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें मिसिंग कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके बच्चे को सपोर्ट करें तो तब तो हम उसको लेकर जा सकते हैं अदरवाइज नहीं फिर वो आइसोलेशन के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही होती हैं इसकी एक और एग्जाम्पल मैं अंग्रेज़ी के हवाले से दूंगी हमारे मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है आई एम नॉट से इन ऑल स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वहाँ पर इंग्लिश जो है राइटिंग के इंग्लिश राइटिंग हमें आइसोलेशन में करवाई जा रही होती है इडियम्स करवा दिए वोकेबलरी करवा दी हमें कुछ चीज़ें जो है लेटर राइटिंग करवा दी कुछ चीज़ों को कहा कि याद कर लो एज अ रिजल्ट वी आर अनएबल टू राइट एन एस एन आर्गूमेंटेटिव एस इन आवर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन या वैसे भी हम नहीं लिख सकते हम में से कोई एक अखबार का आर्टिकल नहीं लिख सकता लिख सकता अगरचे कि चौदह साल हमने अंग्रेजी पढ़ी होती है बारह साल उर्दू के बाद भी हम उर्दू का एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हम अच्छा बोल नहीं सकते हैं उसकी रीजन क्या है कि वी हैव लर्न दीज इन आइसोलेशन इफ वी हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सोनोमीज ऑफ लर्निंग देन एट लीस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड थिंग्स इन एन इंटीग्रेटेड वे टू आवर स्टूडेंट्स हम उनको कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ला सकते हैं जो टेक्सोनोमीज के अंदर हमने बात की थी कि टेक्सोनोमीज प्रोवाइड अ काग्नेटिव स्ट्रक्चर इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर चलते हैं अगर हमने उनको मल्टीप्लीकेशन पर लेकर जाना है तो पहले हम उनको एडिशन सिखाते हैं हम चीज़ों को सीक्वेंस कर रहे होते हैं अगर हमने बच्चों को प्लांट्स की इनर स्ट्रक्चर बताना है तो पहले जो है शुरू में हम ये कहेंगे कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम सिंपल प्लांट्स में भी रोज है आपका uh, कुछ और सिंपल प्लांट्स सन फ्लावर ले लें या कुछ और सिंपल प्लांट्स ले लें हम नामों से स्टार्ट करेंगे छोटे बच्चे को सिर्फ हम यही बता रहे होते हैं कि ये आम का दरख्त है ये नीम का दरख्त है ये सफ़ेदे का दरख्त है वो नाम से शुरू करता है उसको इनर स्ट्रक्चर नहीं आ जाता नॉलेज लेवल से वो स्टार्ट कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज से वो कॉम्प्रीहेंशन तक जाता है कॉम्प्रीहेंशन से एप्लीकेशन पे जाएगा हम बच्चे को स्ट्रेट अवे अगर हम बताना शुरू कर दे कि एक पाँच साल का बच्चा है और उसको हम बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का ये होता है नेचुरली चाइल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड उसको कहें कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करो बच्चा नहीं कर सकता वो लेबल हमें उस लेवल पर लेकर जाना है ना बच्चों को और उसके अंदर हमारे पास इल्म होना चाहिए सब सब टेक्सोनोमीज़ का क्योंकि जब तक बच्चे को लिखना नहीं आता जो कि हमारी अफेक्टिव डोमेन से जिसका ताल्लुक है हम बच्चे को उस लेवल पर ले जा ही नहीं सकते वी कैन नॉट टीच स्टूडेंट्स इन आइसोलेशन वी नीड टू टीच देम इन एन इंटीग्रेटेड फैशन इंटीग्रेटेड फैशन में चाहे वो उनकी लर्निंग डोमेन्स हैं जो हम बार बार एम्फेसाइज़ करते हैं कि बच्चों को हमें लर्निंग कैप देनी है हर लेसन के अंदर उनकी अगर हर लेसन ना से कम से कम हर दिन के अंदर उनकी लर्निंग तीन डिफरेंट डोमेन्स के अंदर होनी चाहिए और ये टेक्सोनोमीज जो हैं हमें कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर दे रही हैं हमें भी दे रही हैं हमारे बच्चों को भी दे रही हैं दे सी थिंग्स इन सीक्वेंस दे कैन रिलेट थिंग्स इन विद ईच अदर उनको समझ आ जाती है कि ये चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं अगर हमें बतौर टीचर टेक्सोनोमीज का नहीं पता तो हम बहुत बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर बच्चों को लर्न करवा रहे होते हैं और वो उनकी लर्निंग नहीं हो रही होती है सो so, आज का जो हमारा लेसन था इसको देखते हैं कि हमने क्या किया हमारे जो लेसन ऑब्जेक्टिव थे इनके ऊपर नज़र डालते हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल हैव रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉगनेटिव डोमेन रिफ्लेक्टेड अपॉन सिम्पसन एक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन रिफ्लेक्टेड अपॉन फाइव लेवल्स ऑफ कराथोल एंड ब्लूम्स टेक्सोनोमीफेक्टिव डोमेन रिफ्लेक्टेड अपॉन द यूज ऑफ टेक्सोनोमीज एज प्लानिंग टूल्स तो आज हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की है और इसके अंदर हमने जो अपने अवेयरनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो ये कि टेक्सोनोमीज आर प्लानिंग टूल्स हमने बात स्टार्ट की है लेसन प्लानिंग के ऊपर कि वाई लेसन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट वट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आ प्लान और उन एलिमेंट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं रिसोसिस हैं सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ रिसोर्सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव दीज आर मेन थिंग एंड दीज सेक्शन ऑफ दीज थिंग वेरी मच डिपेंड्स ऑन आवर नॉलेज ऑफ टेक्सोनोमीज अगले वाले लेसन के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर और बिल्ड करेंगे और उसमें देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवस क्या होते हैं कैसे लिखे जाते हैं इन टेक्सोनोमीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं वाइल राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बहुत सारी एग्जाम्पल्स को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे और फिर हम आ, ये भी देखेंगे कि बच्चों की परफॉर्मेंस को उन ऑब्जेक्टिव के अंगेस्ट मैय कैसे किया जाता है थैंक यू वेरी मच सो खुदा